ओम नमः शिवाय। शिव परिवार की रसोई में रश्मि आपका स्वागत करती। आज मैं लाई हूँ मैजिक मसाला बनाने की रेसिपी, और बच्चों की खास ध्यान पे रखे, क्योंकि बच्चों को मैजिक मसाले डाल के सब्जी में या कोई भी चीज़ में डाल दो तो उन्हें वो ज़्यादा अच्छी लगती और फिर वो खाने के लिए तैयार हो जाते। तो आज मैंने ये रेसिपी लाई क्योंकि बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे खाने खाने में बहुत ज़्यादा कहते कि ये नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है। तो ऐसी कौन सी चीज़ बच्चों के लिए जो झटपट वो खाने के लिए रेडी हो जाए। तो ये मसाला बना के ये किसी भी सब्जी में आप डाल सकते हैं और मैगी जिग मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और बच्चे इसे बहुत ही रुचि से खाएंगे। तो आइए देखिए इसके इंग्रेडिएंट। यह है धनिया पाव, साबुत धनिया 4 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, चीनी 1 चम्मच, मेथी दाना छोटा 1/2 चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच, ये क्या नाम है 4 से 5 छोटी इलायची और 5-6 लौंग, 3 छोटी दालचीनी, थोड़ा सा अदरक पाउडर और 4-5 मिर्च, और ये मेरे पास हल्दी पाउडर है, और ये है चाट मसाला, और ये है टाटरी साइट्रिक एसिड। आप चाहें तो इसे डालें और आप ना चाहें तो ना भी डालें, लेकिन बाज़ार वाले में ये पड़ता है इसलिए मैं इस पर ये ज़रूर डालूँगी। चाट मसाला आपकी इच्छा हो तो डालिए, दो में से एक ही चीज़ डालनी, या तो अगर आप ये डाल देते तो फिर चाट मसाला मत डालिए, अगर चाट मसाला डालते हैं तो फिर इसको मत डालिए। हाँ, प्याज लहसुन का भी पाउडर पड़ता है, लेकिन मैं प्याज लहसुन का पाउडर इसलिए नहीं डालूँ क्योंकि ये मसाला मैं सब्जियों में भी डाल देती हूँ। जो कभी मंगल के दिन और बृहस्पति के दिन हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाया जाता, तो इसलिए मैं इस प्याज लहसुन को स्किप कर रही। आपकी इच्छा हो तो आप अपना डाल सकते हैं। ये मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए। अब मैं इतना इसको इतना पकाऊंगी या इतना कि इसके मॉइस्चर, इसका हल्का हल्का मॉइस्चर बिल्कुल कम हो जाए, बस इतना इनको पकाना है, इनको ज़्यादा भूनना नहीं, बस हल्की सी इसकी नमी जितनी है वो कम हो जाए। और एक चीज़ का ये ध्यान रखा है कि जितने भी बाज़ार में मसाले मिलते हैं उनमें सब में कॉर्नफ्लोर पाउडर या अरारोट 1 चम्मच पड़ा ही रहता है, क्योंकि उसमें उससे बाइंडिंग अच्छी होती है और मसाले जल्दी ख़राब नहीं होते। तो जब भी आप घर में मसाले बनाएं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि क्या नाम है कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालें, इससे मसाला ज़्यादा दिनों तक अच्छा रहता है, वो ख़राब नहीं होता। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और कभी कभी हम बाज़ार से मैगी मसाला ले आते तो एक बार डाल दिया फिर ख़त्म हो जाने के बाद कभी नहीं आ पाता, तो उससे अच्छा है कि घर में बना लें, घर में बना के ज़्यादा सा रख लें, और जब भी क्या नाम है कुछ भी बनाना हो तो बच्चों के में खाने में ये डाल दे तो वो झटपट खाने को तैयार हो जाएंगे और हमें कहीं बाज़ार में बच्चों को इधर उधर नुकसान दे खाना या फूड खिलाने से बच जाएंगे और बच्चों की सेहत का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब ये मेरे मसाले भुन गए हैं, अब मुझे बस इनको ठंडा हो जाए तब फिर मैं इनको बंद कर दूंगी। अभी देखिए मैंने ये सारे मसाले जो हैं भून लिए, अब मैं धीरे धीरे करके मिक्सर जार में ये सारे मसाले ऐड करूंगी। इसमें पहले मैं ये जो ये मसाला मैंने भून रखा है इसको मैं इसमें ऐड करूंगी, ये देखिए। और मैंने इसमें मिर्च इसलिए भी कम डाली क्योंकि बच्चे मिर्च कम खाते, अगर आपके यहाँ मिर्च ज़्यादा खाई जाती है या वो बच्चे, तो आप इसमें मिर्च की मात्रा ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये उस चीज़ का विशेष मैंने ध्यान रखा क्योंकि ये बच्चों को सोच के ही मसाला मैं तैयार कर रही हूँ, तो इसमें मिर्च पाउडर मैं कम डालती हूँ। कभी कभी ये होता है कि घर में क्या बनाया जाए तो बच्चे कहते कि हमें ये पसंद है वो पसंद, लेकिन ये होता कि कम ऑयल में खाना, क्योंकि ज़्यादा अगर तेल चिकनाई का भी खाना हम बच्चों को खिलाएंगे तो उनसे भी उनके शरीर में नुकसान पहुंचेगा, और रोज़ रोज़ मैगी बना के खिलाएंगे तो वो भी ज़्यादा भी उनको नुकसान करेगा। तो ऐसी सिंपल सी चीज़ें हम उन्हें बना के खिलाएं जिससे वो खा भी लें और उनकी सेहत पे भी प्रभाव ना पड़े, तो इस चीज़ का मैंने ध्यान रखा है। अभी मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए थे, अब मैं इसमें ये चीनी ऐड करूँगी जो मैंने ये निकाल रखी थी 1 चम्मच, तो ये भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये देखिए मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए, अब मैं इसको पीसूंगी। अच्छी खुशबू आ रही मैजिक मसाले की, ये देखिए बन के बिल्कुल हमारा ये तैयार हो गया। अब मैं इसे मिक्सी जार से निकालती हूँ।
देखिए, अब हमारा ये मैजिक मसाला बिल्कुल बनके तैयार है। अगर आपको लहसुन प्याज खाना है तो आप जब इंस्टेंट बना रहे हो मैगी या कोई भी रेसिपी या सब्जी बना रहे हो, आलू की सब्जी, गोभी आलू सब्जी, सूखी सब्जी, तो आप उसमें ये मसाला ऐड कर, उस समय आप प्याज लहसुन उसी समय इंस्टेंट पीस के डाल सकते हैं। और तो इस वजह से मैंने इसमें नहीं डाला, कि मैं और भी सब्जियों में डाल देती हूँ जब कभी मंगल और बृहस्पति को प्याज नहीं खानी होती। तो अगर आप खाते तो आप तुरंत ही प्याज का पाउडर और लहसुन का पाउडर बना के डाल सकते हो। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो बाजार में प्याज का भी पाउडर मिलता है और लहसुन का भी पाउडर मिलता है, आप बाजार से लाके उसे भी इसमें ऐड करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। अब आपका ये देखिए कितना बढ़िया मैजिक मसाला बन के तैयार है। अब बच्चे जब है कोई भी सब्जी खाने में ना नुकुर नहीं करेंगे और बहुत ही स्वाद से और टेस्ट से खाएंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके सारे मसाले आप अपने घर में ही बनाइए। मैं तो अपने जितने भी मसाले अपने घर में, सारे ही मसाले मैं घर में ही बनाती हूँ। अगली रेसिपी में आपको मैं वो शाही पनीर मसाला बनाना बताऊँगी कि कैसे बनता है। आप लोग, शिव परिवार के लोग, आइए और हमारे इस मसाले को देख के और इसको बताइए कि ये कैसा बना है।